हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 3 अप्रैल दोस्तों, और आज की बहुत बड़ी जानकारी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी ट्रिपल एससी की रिगार्डिंग। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है पूरा प्रकरण क्या है चल रहा है आजकल यूपी ट्रिपल एससी के। कई सारे रिजल्ट पेंडिंग हैं, कई सारे पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, जिसमें से रिजल्ट जो हैं उनके बारे में पता करने पर हमें आयोग से यही जानकारी, सभी कर्मचारी यही बताएं कि 4 जो रिजल्ट है वो एकदम तैयार है, लेकिन चुनाव होने की वजह से हमें चुनाव आयोग और शासन से परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए, ये बात रह गई, हम लोगों ने ये भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया, और ये भी पता चला कि 26 मार्च को मीटिंग किया जा रहा है, और उस मीटिंग में चुनाव आयोग और शासन से को पत्र लिखा जाएगा, उसके बाद अनुमति मांगी जाएगी। ये कहना आयोग का अब तक रहा है। हम लोगों ने ये भी इंतज़ार किया, अनुमति भी आ गई, पत्र लिखा गया 26 मार्च को और अनुमति भी प्राप्त हो गई, जिसमें से हमें पता चला कि 4 परीक्षाओं के रिजल्ट में से 3 परीक्षाएं जारी करने के हमें आदेश यानी कि अनुमति मिल गया है चुनाव आयोग और शासन से। ऐसा कहना आयोग का रहा दोस्तों। अब हम लोगों में खुशी हुई कि चलो ठीक है, अभी तक यूपी ट्रिपल एससी इसीलिए रुका था कि चुनाव आयोग और शासन से अनुमति मिल जाए। उनका कहना था कि कहीं ये राजनीतिक मुद्दा न बन जाए, ये कहना सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी विभाग यानी यूपी ट्रिपल एससी आयोग का था। बाकी बहुत सारे आयोग के तो रिजल्ट निकाले जा रहे हैं, एडमिट कार्ड निकाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्हीं पर लागू हो रही हैं। ऐसा बच्चों का भी कहना है, हम लोग भी यही मानते हैं कि इन्हीं का रिजल्ट निकालने पे केवल चुनाव आयोग और ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर चलिए हम लोगों ने ये भी मान लिया, ठीक है चलिए, अगर आपको परमिशन चाहिए बहुत अच्छी बात है, चलिए परमिशन ले लीजिए, उसके बाद तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। तो यहां पर कल हमें प्राप्त हुआ न्यूज कि इनको आयोग को अनुमति भी मिल गई शासन से और चुनाव आयोग से, लेकिन 3 परीक्षाओं के मिली है, इसमें से वीडियो, नलकूप चालक और लैब टेक्नीशियन का। दोस्तों, हमने सोचा कि चलिए ठीक है, बच्चों में भी खुशी हुई कि चलो अब जहाँ तक है शायद उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा वीडियो का और टेबल ऑपरेटर का और लैब टेक्नीशियन का, जिसका अनुमति मिला है यहाँ पर दोस्तों। लेकिन आज भी मीटिंग हुई, सुबह मैंने इन्फॉर्म किया कि आज मीटिंग हो रही है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने का। हम लोगों में बहुत सारा उत्साह रहा कि आज शायद मीटिंग हो रहा है और यही फैसला लिया जाएगा कि किस डेट को रिजल्ट अनाउंस किया जाए। लेकिन उस मीटिंग में यही पता चला कि शायद ट्यूबवेल ऑपरेटर का 1 से 2 दिन में रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो एग्ज़ाम को फिर से लटकाया जा रहा है। वीडियो रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि आयोग अब डिक्लेयर करने वाला है, क्योंकि उसका मनसा नहीं है दिख रहा कि ये चुनाव से पहले इस भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर करें। आप किस प्रेशर में है, ये शासन के प्रेशर में हो रहा है या चुनाव आयोग की मनसा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बस ये जान लीजिए कि वीडियो का रिजल्ट अगर 10 अप्रैल से पहले पहले नहीं आया दोस्तों, तो हम आपको ही साथ में खड़ा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा दोस्तों, तभी ये आयोग दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, हमें यही उम्मीद लग रही है। क्योंकि पूरी तरीके से संभावना ही नहीं लग रही है, बस केवल हमें डेट बताया जा रहा है कि 5 तक आ जाएगा, कहीं 10 तक आ जाएगा, यही पता चल रहा है दोस्तों। तो पूरी तरीके से हमें यही लग रहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के मोड में बिल्कुल नहीं है शासन आयोग। अनुमति मिल जाने के बाद भी अब किस बात का इंतजार, अगर आपको अनुमति चाहिए थी तो आयोग से अनुमति भी प्राप्त हो गई है, आयोग को अनुमति भी प्राप्त हो गई, अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? या तो फिर आप चुनाव के बात ही डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों यही सारी जानकारी थी दोस्तों। अगर आप लोग 10 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आता है दोस्तों, तो आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी दोस्तों, ठीक है। हम सब, अगर कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहा है तो हमें आप इन्फॉर्म करें कमेंट बॉक्स में, हम सभी छात्रों तक उसकी बात पहुँचाएंगे दोस्तों, और हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे दोस्तों। यही सारी जानकारी थी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों ने भी यही उम्मीद, जो मैंने बात कही आप लोगों को भी ये पहले समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत सारे कमेंट करके भी बच्चे कहे हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव आयोग कैसे परमिशन के बाद भी रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चुनाव से बाद ही रिजल्ट आने वाला है, या उसके बाद कुछ पता नहीं कब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और भी कोई डाउट हो या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं दोस्तों, हम पूरी तरीके से उसकी जानकारी इकट्ठा करके जो भी हमें प्राप्त होगी ऑथेंटिक जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।